अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज हम आलू अंडा ग्रेवी बना रहे हैं। ये ढाबा स्टाइल है और इसके लिए सबसे पहले हमें एक पेस्ट बनानी होगी। फ्राइड अनियंस लिए हैं मैंने, एक बड़े साइज़ की प्याज थी उसको आप काटे हुए फ्राई कर लीजिए। दो हरी मिर्ची ले रही हूँ और एक कप हमें दही चाहिए होगा। एक कप ही दही लीजिएगा, इसके अंदर हम टमाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इन तीनों चीज़ों का मुझे ग्राइंडर में पेस्ट बना लेना है। ये पेस्ट है जो हमने दही और तली हुई प्याज और हरी मिर्चों के साथ बनाई थी। पांच अंडे हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है और आधा किलो आलू हैं हाफ के जी, इन्हें भी बॉईल करके यूं पीसेस में काट लिया है। और अब हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि ये रेडी कैसे होगा। ये 1/4 कप ऑयल है और इसके अंदर मैं अंडे डालकर फ्राई कर लूँगी। थोड़ी देर के लिए इन्हें फ्राई करना है, इतना कि अंडों के ऊपर हल्का सा लाइट सा कलर आ जाए। अंडों के ऊपर कलर आ गया है, अब मैं निकाल लूँगी। इसी ऑयल के अंदर लहसुन और अदरक की पेस्ट है। इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक की पेस्ट डाली है, ये 1 टेबलस्पून की। हल्का सा इसे सौते करना है, कलर नहीं बदलना चाहिए, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए बस इतनी देर। और अब इसके अंदर मैं ये वाली पेस्ट डाल दूँगी जो दही और प्याज और हरी मिर्चों के साथ मैंने पीस के रखी हुई है। अब इसी जगह इसके अंदर लाल मिर्च डाल दें, 1 टीस्पून है। हल्दी जाएगी इसके अंदर, ये भी 1 टीस्पून भर के डाल दें। सॉल्ट है 1 टीस्पून। ये ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा। धनिया पाउडर 1 टीस्पून है। और काली मिर्च ये भी 1 टीस्पून है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और इतनी देर फ्राई करना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए और इसका कच्चापन जो भी है वो ख़त्म होना चाहिए। आप देख रहे हैं अभी से कितनी अच्छी ग्रेवी ये बन गई है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, जल्दी जल्दी बनने वाली है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ग्रेवी आप देख रहे हैं अच्छी तरह से भून गई है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर आपको आलू डालने हैं। ये जो मैंने आपको दिखाई थी हाफ के जी आलू हैं, आलू मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, आलू जब आप बॉईल करेंगे तो ये फुल डन नहीं होने चाहिए, 80% तक पके हुए होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम पानी डालेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए उस शोरबे को भी पकना होगा। अगर आप आलूओं को फुल डन कर देंगे तो फिर आपकी जो आलू हैं वो अपनी शेप में नहीं रहेंगे, घुल जाएंगे। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। 1 से 2 मिनट के लिए इसे मज़ीद फ्राई करते हैं इस मसाले के साथ। और अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं बनेगी, थिक सी होगी, लेकिन पानी आपको इतना डालना है कि 10-15 मिनट तक पक सकें। जब तक पकेगा नहीं सही तरह से, मसाले और पानी इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे और आपको सही से इसका टेस्ट नहीं मिलेगा। तो बस इसके अंदर मैंने ये पानी डाल दिया है, अबाउट 2 ग्लास है, 2 ग्लास तक पानी डाल दें और इसको मैं ढककर पकने के लिए रख दूँगी। हम चेक कर लेते हैं, 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। ऑयल आप देख रहे हैं सेपरेट हो गया है और ग्रेवी आप देखिए कितनी स्मूथ इसकी ग्रेवी है। अब इसके अंदर ये अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे ये आप इसके अंदर डाल दें। हरा धनिया डालिए, गरम मसाला पाउडर आपने डालना है इसके अंदर, वन टीस्पून। मिक्स करें इन सब चीज़ों को और इसको मज़ीद आप 2 से 3 मिनट के लिए दम दे दें ताकि सब चीज़ों की खुशबू अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके अंदर। और इसके बाद हमारी ये डिश रेडी हो जाएगी। इसको हम अब डिश आउट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ग्रेवी इससे भी थोड़ी गाढ़ी हो तो आप इसे मज़ीद थोड़ी देर के लिए पका लीजिए। आलू अंडा ग्रेवी रेडी हो गई है। इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।